आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हम सबको चाहिए एक श्रेष्ठ मानव बनने की और काम करने की जरूरत। रेखा आर्या। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा पुनीत कार्य, दी जा रही मनुष्य को मनुष्य बनने की प्रेरणा। रेखा आर्या। आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वर्तमान परिदृश्य में मानव की भूमिका कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहाँ उक्त कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मानव के विकास के लिए कुछ अधिकार समान रूप से सभी को उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इन अधिकारों अर्थात मानवाधिकारों से वंचित हैं। हमें चाहिए कि हम सब एक श्रेष्ठ मानव बनने की ओर काम करें और उस तरफ अग्रसर हों। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा यही पुनीत कार्य किया जा रहा है, जिसके द्वारा मनुष्य को मनुष्य बनने की प्रेरणा दी जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को सार्थक कर रहा है। साथ ही कहा कि मानव को मानव बनने की आवश्यकता है। आज के युग में कई तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं, जो कि समाज की सोच को दिखाते हैं। हमें चाहिए कि हम इस सोच से ऊपर उठें और काम करें, ताकि समाज का बेहतर विकास हो सके। कहा कि आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा समाज के हर एक वर्ग की चिंता की जा रही है। उसके नेतृत्व में समाज के हर एक वर्ग का समग्र विकास के साथ ही राष्ट्र निर्माण हो रहा है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहोगे इजाजत, नमस्कार।